नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील और आप देख रहे हैं टेक पॉइंट दिनचर्या। दोस्तों स्वागत है आपका फिर एक बार टेक पॉइंट दिनचर्या। फ्रेंड्स, हर बार की तरह आज का वीडियो भी एक ज्ञान से भरा और एक पावरफुल वीडियो साबित होने वाला है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में लेकर आया हूँ इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के बारे में जानकारी। यह योजना भारत में कई वर्षों से चल रही है, लोगों ने इसका बढ़ चढ़कर कई वर्षों से इसका लाभ ले रहे हैं, फिर भी लोग इस योजना से कई लोग वंचित रह चुके हैं। वंचित होने का कारण यह है कि प्रॉपर तरीके से लोगों को इसकी बिल्कुल भी जानकारी नहीं है या उनको कोई गाइड करने वाला नहीं है। तो आज इस योजना में हम सबसे सरल तरीके से आवेदन करने की आपको प्रक्रिया बताएंगे कि आप सबसे आसान तरीके से कैसे आवेदन कर सकते हैं। ऐसा इसलिए कि हमारे चैनल पे से कई कमेंट्स आए हैं कि वो ऑनलाइन से वास्ता नहीं रखते हैं, उनको सबसे सरल प्रोसेस के बारे में जानना है कि हम सबसे सरल और आसान तरीके से कैसे इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि कई लोग अभी इस योजना से अभी भी वंचित हैं क्योंकि उनको प्रॉपर तरीके से जानकारी ना होने के कारण। तो आज का हमारा वीडियो का मेन मोटो यही है कि इस योजना को हम सबसे सरल तरीके से आपको आवेदन करने की प्रोसेस बताएं जो बिल्कुल आसान रहेगी। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि इस योजना में कौन कौन पात्रता में आ रहा है, आपको किन किन कागज़ की ज़रूरत पड़ेगी, फॉर्म कहाँ जमा करना है आपको और कितना शुल्क लगेगा। तो ये सब जानकारी हम आज के वीडियो में जानेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो अधिक जानकारी के लिए हम चलते हैं हमारे गूगल ब्राउज़र की ओर। तो ठीक है, तो आपको गूगल ब्राउज़र में डालना है socialjustice.mpgov.in। इस पर आपको क्लिक करना है, उसके बाद आपको फर्स्ट वाले लिंक ओपन करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे उसके बाद देखिए आपको यह वेबसाइट देखने को मिल जाएगी, ऑफिशियल वेबसाइट। ठीक है, इस पर आपको कई प्रकार की और भी बहुत सारी योजनाएं देखने को मिल जाएगी और कार्यक्रम से रिलेटेड आपको जानकारी मिल जाएगी। एक इम्पोर्टेंट, यहाँ वेबसाइट आपकी गूगल क्रोम पर रन नहीं होगी, आपको मोजिला फायरफॉक्स ब्राउज़र को ही यूज़ करना है। इसके बाद हम आगे चलते हैं दायित्व में आना है। उसके बाद आपको फर्स्ट वाले लिंक पर क्लिक करना, सामाजिक सहायता। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपके सामने कई प्रकार की योजनाएं देखने को मिल जाएगी। तो आज जिस योजना पे बात कर रहे हैं उसका नाम है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन। इस पे हम जैसे क्लिक करेंगे इस योजना से रिलेटेड सारी जानकारी हमें यहाँ देखने को मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ से आप इसे आसानी से पढ़ सकते हैं। तो हम इसमें मेन चीज़ चलेंगे कि पात्रता हम देखिए इसमें पुरुष और स्त्री दोनों आते हैं। इसके बाद आयु 60 वर्ष या 60 वर्ष से अधिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, उसके पास BPL कार्ड होना चाहिए। इसके बाद सरकार इसके लिए 600 रुपये प्रोवाइड कर रही है, 200 रुपये केंद्र से और 400 रुपये राज्य सरकार इसमें प्रोवाइड करेगी। तो कुल मिला के 600 रुपये के आसपास आपको इसमें पेंशन प्रोवाइड की जाएगी। प्रक्रिया क्या रहेगी, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन अपने मूल निवास के ग्रामीण क्षेत्र में, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, शहरी क्षेत्र में, नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत के कार्यालय में ही आपको जमा करना है। उसके साथ आपको 3 फोटो, आयु प्रमाण पत्र, उसके बाद है तो आपको BPL कार्ड, ये सब चीज़ें आपको साथ में अटैच करके इसमें जमा करना है। ठीक है, उसके बाद अगर हम फॉर्म की बात करें तो आप जैसे ही यहाँ डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो आपको फॉर्म भी देखने को मिल जाएगा। ये 12 पेज की पूरी PDF फाइल है, यहाँ से आपको पूरा नीचे थोड़ा आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको इसके फॉर्म भी यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। देखिए थोड़ा सा ये नेट की वजह से टाइम ले सकता है, बट ये आपको फॉर्म भी मिल जाएगा। तो यहाँ से आप इसका फॉर्म भी निकाल सकते हैं प्रिंट आउट करके, ये सभी डॉक्यूमेंट जमा करके आप इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं, वो भी अपने नगर निगम के पंचायत में, ग्राम पंचायत में, इस तरह से। तो ये सबसे आसान और सबसे सरल प्रोसेस है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, अगर इससे रिलेटेड आपके कोई भी सवाल हो या डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपके पास कोई भी अच्छा सुझाव हो या कोई क्वेश्चन हो तो आप वो भी मुझे बता सकते हैं। और आशा फ्रेंड्स कि हमारा वीडियो आपको समझ आया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे फ्रेंड्स तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इसी तरह से आप हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद फ्रेंड्स।